हेलो गाइस, आपको ये सब पूरा नोट्स चाहिए क्लास ट्वेल्थ का तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल फ्री में ये नोट्स दिया जाएगा, एकदम फ्री फ्री में। इसको याद करने के लिए हम इस तरह से टेबल बनाए हुए हैं। आप इसको कैसे याद करेंगे हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट और इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 में और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में। और जन्म जगह, इसका जन्म जगह जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में। और यह बातचीत पाठ निबंध है, क्या है? निबंध है। उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। और इनका जगह राजस्थान में जन्म हुआ था। और यह पाठ जो उसने कहा था, ये कहानी है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में इनका मृत्यु हो गया। और बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म जगह जन्म स्थान है। और यह संपूर्ण क्रांति भाषण है, संपूर्ण क्रांति का यहाँ भाषण है, यहाँ देखिए। और नारेश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 ईस्वी में और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। और जो बेगूसराय बिहार में जन्म लिए थे, सिमरिया में, यहाँ तो नहीं लिखा लेकिन हम बता रहे हैं। और यहाँ आदर नारेश्वर जो है यह निबंध है, पाठ क्या है? निबंध है। रोज का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वासीनाज्ञ, 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1987 में मृत्यु हो गया था। और क्या रोज के जो इसके सच्चिदानंद हीरानंद वासीनाज्ञ का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में। और इस रोज है कहानी है, एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। और 28 अक्टूबर 1907 में इनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 में मृत्यु हो गया। और लायलपुर में जन्म हुआ था इनका। निबंध हुआ या जो क्या कहते हैं, एक लेख और पत्र या निबंध है, वो सीधा निराक लेखक जगदीश चंद्र माथुर। और इनका 16 जुलाई 1917 में जन्म हुआ और 14 मई 1978 ईस्वी में मृत्यु हो गया। और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, वो सदर निरा ललित निबंध है, वो सीधा और उसमें सिपाही की मोहन राकेश लेखक है। और मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था और मृत्यु 3 दिसंबर 1972 अमृतसर पंजाब में हुआ था इनका जन्म। और यह सिपाही की माँ एकांकी है, प्रगीत और समाज लेखक नामवर सिंह है। 28 जुलाई 1927 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु पता नहीं था इसलिए किताब में नाम भी नहीं लिखे हैं, पूछेगा भी नहीं। और प्रगीत और समाज उत्तर प्रदेश में है, प्रगीत और समाज के नामवर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और प्रगीत समाज निबंध है। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। 30 जून 1950 में इनका जन्म हुआ था, 30 जून 1950 में, मृत्यु नहीं दिया था नहीं याद करेंगे। और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि का। जूठन क्या है? आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। और इनका जन्म 1935 हुआ और मृत्यु 26 अप्रैल 1982 में मृत्यु हो गया था। और मलयज उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और डायरी क्या है इनका? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, मतलब विधा डायरी है। उत्तरीज के लेखक है उदय प्रकाश और एक जन्म 1952 में मृत्यु हो गया था, नहीं जन्म हुआ था, सॉरी जन्म हुआ था और मृत्यु तो नहीं दिया हुआ। तिरिच जो उदय प्रकाश का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। और तिरिच कहानी है। शिक्षा जी कृष्ण मूर्ति लेखक है, 12 मई 1995 में जन्म हुआ था, 17 फरवरी 1986 में मृत्यु हो गए थे किसका? जीव कृष्ण मूर्ति का। और आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और अति शिक्षा लेखक शिक्षा क्या है? संभाषण। आपको पूछा जाएगा कि शिक्षा कौन सी विधा है? संभाषण। उस तरह से रोज कौन सी विधा है? तो कहानी। संपूर्ण क्रांति कौन सा भाषण है? या रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 में। इस तरह सब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इस तरह और भी वीडियो हमारे चैनल अपलोड है, आप क्लास ट्वेल्थ के बारे में बहुत सारे वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं। और इसका जो PDF हम बनाए हुए हैं, PDF का नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए और एकदम फ्री में पढ़िए, एकदम फ्री में, एकदम तैयारी कर हो जाएगा। और इस याद कर लीजिएगा तो हम वादा के साथ कहते हैं आपको 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता, 20 नंबर एकदम टोटली 20 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आएगा।